सारण जिले के मशरक प्रखंड के सोनौली पंचायत के मुखिया इम्तियाज खान से विशेष बातचीत। यहां पर इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं, इनके द्वारा विकास कार्यों की काम जो की जा रही है उसके संबंध में विशेष बातचीत किया हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। नमस्कार, इस समय हमारी कानूनी जंग की टीम सारण जिले के मशरक प्रखंड के ग्राम पंचायत सोनौली के मुखिया श्री इम्तियाज खान जी के पास आए हुए हैं और यहाँ पे इनके द्वारा कौन कौन सी विकास कार्य हुई है इसके संबंध में इनसे हम कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे और इनसे परिचय लेंगे। यहाँ पे कौन कौन मुख्य समस्याएं हैं इसके संबंध में इनसे चर्चा लेंगे और इनके द्वारा किया गया विकास कार्य के विषय में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले नमस्कार, हमारे कानूनी जंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे तरफ से आपको नमस्कार है सर। सबसे पहले नमस्कार, आपका परिचय दें सर। सोनौली पंचायत की तरफ से और पंचायत की जनता की तरफ से कानूनी जंग आप लोग के चैनल को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद जो आप लोग आए हमारे पंचायत में विकास के मुद्दे पे बात करने सवाल करने, अच्छा लगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम इम्तियाज खान हुआ। सर आप राजनीति में कब से आए हैं और राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीति में आना कोई मेरा शौक नहीं है। एक्चुअली मैंने पहले भी 2016 चुनाव में फाइट किया था और उस टाइम में बहुत कम वोट थे, हम चुनाव हारे थे, फिर हम कंटिन्यू लगे रहे और तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गए। 2016 के बाद कंटिन्यू हम लगे ही रहे, जो भी हमसे बन पड़ा मैंने समाज का सेवा किया। कोरोना काल से लेके यहाँ तक के अपने पंचायत के अलावा भी जी। दूसरे पंचायत के लोगों का भी हमने कोरोना काल में मदद किया अपने निजी फंड से और यही पंचायत की जनता ने देखा मेरी ईमानदारी पे या मेरे अच्छाई को देखते हुए मुझे आज पंचायत की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं जिन्होंने मुझे आज मुखिया के तौर पर चुना है। सर मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जनता को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव आप लोगों ने मुझे अपना कीमती वोट देकर जिताया है। आप लोग का पूरा हक बनता है कि हमसे जो हो सके सरकारी फंड से या भी फिर सरकारी योजना से जो कुछ भी हमसे मतलब फायदा 5 साल में, अगले बार तो क्या होगा नहीं होगा वो तो मेरे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता मुझे इस 5 साल के बाद अगला 5 साल के लिए चुनेगी या नहीं चुनेगी वो तो सर्वसर्व जनता है। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जनता मुझे आगे भी चुनेगी, ये उम्मीद है। सर आपके पंचायत का मुख्य समस्या कौन सी है सर?